सोशल मीडिया पर आप कोई पोस्ट करने से पहले कम से कम एक बार सोच लें, क्योंकि बहुत संभव है कि वह पोस्ट आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दे। दरअसल पुलिस की ऐसे लोगों पर पैनी नजर है जो विवादास्पद पोस्ट के जरिए किसी के छवि को धूमिल करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो क्या गया है, तो अब आप पूरा मामला समझिए। बीते दिनों सिवान के पुलिस लाइन के कमरे से महिला पुलिसकर्मी स्नेहा की सड़ी गली हालत में लाश मिलती है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। स्नेहा मुंगेर की रहने वाली थी, जो कि सिवान में सुरक्षा में तैनात थी, जिसके बाद सिवान के एसपी सहित कई पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। इस घटना की जांच के लिए एसएफएल की टीम भी आती है, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी के लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर लाश की सड़ी गली हालत देखकर पोस्टमार्टम के लिए पटना रेफर करने की बात करते हैं। इसी बात पर गुस्से में आए कुछ पुलिसकर्मी डॉक्टर की पिटाई कर देते हैं, जिसके बाद नाराज सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद आरोपित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। कई लोग इस घटना के बाद से पुलिस के कार्य पर सवाल भी उठाए। वहीं सिवान के एसपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारी इस घटना की जांच में लगे हुए हैं। लेकिन इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर भी कई तरह के अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग घटना के तह तक बिना गए घटना के बारे में कई तरह की अफवाहें सोशल साइट पर पोस्ट कर फैला देते हैं, जिसको लोग बिना समझे शेयर कर जाते हैं, जिसके बाद शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा बना रहता है। अब इस घटना में भी कुछ इसी तरह के मामले सामने आए हैं। सिवान मुफस्सिल थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि राजेश कुमार सुमन नाम के एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर स्नेहा मौत मामले में एक पोस्ट लिखी, जिसमें सिवान एसपी और सिवान पुलिस के ऊपर झूठे आरोप लगाते हुए घटना के बारे में मनगढ़ंत बातें लिखकर लोगों में विद्रोह फैलाने की कोशिश की गई है, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने का भी खतरा है। साथ ही साथ सिवान एसपी और पुलिस की छवि को धूमिल करने की भी कोशिश की गई है, जिसको लेकर राजेश कुमार सुमन के ऊपर कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आप भी रहें सावधान, अफवाहों पर ना दे ध्यान, बिना जांच बिना समझे ना तो पोस्ट करें, ना ही किसी के पोस्ट को शेयर करें।